विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम गुरुवार की सुबह 6 बजे बाबरडोस से नई दिल्ली पहुंच चुकी है। पता हो कि भारतीय खिलाड़ी चक्रवात के कारण 3 दिन से वही फंसे हुए थे। आखिरकार भारतीय स्टाफ को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए देश लाया गया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली हवाई अड्डे के बाहर फैंस का भी हम उम्र पड़ा है। हर किसी ने भारतीय टीम का जोरदार स्वागत किया। कई फैंस तो रात से ही एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ियों का क्रेज फैंस के सर पर चढ़कर बोल रहा था। भारतीय टीम के खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर आकर बस से होटल के लिए रवाना हुए। इसी बीच विराट कोहली ने अपनी फैंस की तरफ देखा और उनका अभिवादन स्वीकार किया। बस फिर क्या था, इतने में विराट के फैंस शोर मचाते और उनकी एक झलक से फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। बता दें कि भारतीय टीम आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेगी। उसके बाद दिल्ली से मुंबई रवाना होगी। टीम आज ही मुंबई के नरीमन पॉइंट से बानखेड़े स्टेडियम के बीच खुली बस पर रोड शो करेगी। पहले ये कार्यक्रम कल होना था। खिलाड़ियों को जल्दी फ्री करने के लिए ये कार्यक्रम आज ही होगा। बता दें कि भारतीय टीम सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी और उसके बाद रोहित एंड कंपनी सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। मुंबई पहुंचने के बाद भारतीय टीम का विक्ट्री मार्च निकलेगा। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम तक या मार्च समाप्त होने के बाद इन भारतीय क्रिकेटर्स पर इमाम राशि भी घोषित की जाएगी। बता दें कि BCCI ने खुद 125 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान किया था।